हेलो गाइस, सुप्रभातम, वेलकम बैक इन चैप्टर नंबर 8 कासायणम को अपराधो। इट मींस व्हाट इज द फॉल्ट ऑफ सैफ्रन क्लोथ्स। इन वीडियो नंबर 1 गाइस वी हैव लर्न दैट महात्मा गांधी स्टार्टेड द फ्रीडम मूवमेंट एट साबरमती आश्रम इन अहमदाबाद। इन द अर्ली डेज the conduct of the movement was going on in the ashram itself, and one day Swami Satyadev, who came into the ashram, and when he noticed Mahatma Gandhi, who was engaged into the freedom movement, he became very happy and he impressed, and ultimately he also said to Mahatma Gandhi, I wish to enter and stay in your ashram, because he had a great desire to work for the freedom of the country. Definitely Mahatma Gandhi welcomed him, saying that you are most welcome in the ashram, this is your ashram, but before you get entry into the ashram, you have to leave the saffron clothes. Now this is a very, very confusing remark on behalf of Mahatma Gandhi. Swami Satyadev could not understood the intention of Mahatma Gandhi, because Swami Satyadev was sannyasi, and according to the custom norms of our country, generally sannyasi wears saffron clothes, and without saffron clothes hardly we recognize the person that he is a sannyasi. The saffron clothes, that one is the identity of sannyasi, and because of that one there is a little bit hesitation in the mind of Swami Satyadev how he could be ready to leave the saffron clothes. So he asks this question to Mahatma Gandhi, Bapu, you know it very well that I am a sannyasi, and sannyasi wear saffron clothes in our country. How could I be able to give up the saffron clothes? Up to this one, we have learned in the previous chapter. Right now at page number 29, last paragraph, we will start from here. Swami Satyadevas vachanam srutva shanta swaren Gandhi mahodayah akathayat. Two action happen, one after the other. Swami Satyadevasya vachanam srutva, vachanam, we call it speech. Here, having heard the speech of Swami Satyadev, first action. Action number 2, Mahatma Gandhi said, ya Gandhi ji said, we call it. Santa Swarena, Santa, come, in a peaceful voice we call it. Or come, C-A-L-M, peace, C-A-L-M. काम शांत स्वरेण, और वी कॉल इट इन पीसफुल वॉइस, पीस फुल वॉइस, क्लियर। तो हैविंग हर्ड द स्पीच ऑफ स्वामी सत्यदेव, गांधी जी सेड इन ए काम वॉइस, व्हाट डिड ही से, भवता यदुक्तम तत् सत्यमस्ति। टू संधिज आर देयर, संधि नंबर 1 यत प्लस उक्तम, जब भी द होता है ना तो वो त हो जाता है, यत प्लस उक्तम, ये संधि। और वर्ड्स नंबर 2 के अंदर भी संधि है, तत् सत्यम अस्ति, थ्री वर्ड्स आर देयर, तत् प्लस
सत्यम प्लस अस्ति. डू इट इन योर टेक्स्ट बुक. भवता यत उक्तम तत सत्यम अस्ति. भवता यद उक्तम, व्हाट इज सेड बाय यू. भव मीन्स यू. यत उक्तम इज सेड. व्हाट इज सेड बाय यू. तत सत्यम अस्ति इज ट्रू. आई डू एग्री दैट सन्यासी वियर द सैफ्रन क्लोथ एंड सन्यासी शुड नॉट गिव अप द सैफ्रन क्लोथ. वॉट एवर इज सेड बाय यू इज द ट्रू. देखो एक महात्मा गांधी की दूसरे के साथ बातचीत के समय हाउ ही बिकम पॉलाइट एंड हाउ सोबर लैंग्वेज वॉज यूज बाय महात्मा गांधी एंड देयरफॉर गांधी जी बिकम महात्मा. महात्मा वी कॉल इट महान आत्मा. दिस इज ऑल्सो द रीजन ऑफ गेटिंग दिस टाइटल. वेन यू डील विथ अदर पर्सन्स एटलीस्ट योर लैंग्वेज शुड बी वेरी पोलाइट. यू शुड बी वेरी सोबर. ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेंटालिटी ऑफ अदर पर्सन्स एंड गांधी जी वॉज क्वाइट परफेक्ट इन दिस फील्ड. नेक्स्ट ही सेड दैट किंतु भवान संन्यासस्य त्यागम करोति इति न मम आशयः. न मम आशयः, आशयः इंटेंशन. न मम आशयः बट माय इंटेंशन इज नॉट दैट. गांधी जी का इंटेंशन ये नहीं है, हेतु ये नहीं है. क्या नहीं है कि भवान संन्यासस्य त्यागम करोति. भवान मीन्स यू. संन्यासस्य त्यागम, यू शुड गिव अप संन्यास. मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप संन्यास छोड़ दीजिए. मेरा कहने का मतलब तो सिर्फ यही है कि आप भगवा कपड़ा छोड़ दीजिए. संन्यास को नहीं छोड़ना है. किंतु भवान संन्यासस्य त्यागम करो तु इति न मम आशयः. लास्ट वर्ड संधि इज देर. मम प्लस आशयः, आशयः. बट माय इंटेंशन इज नॉट दैट यू शुड गिव अप संन्यास. नेक्स्ट ही सेड दैट केवलम कासाय वस्त्रणां त्यागम कर्तुं वदामि. केवलम, आई एम ओनली वदामि, आस्किंग यू और टेलिंग यू वी कॉल इट. केवलम वदामि, अहम केवलम वदामि. अहम वर्ड इट इज नॉट देयर बट वी कैन अंडरस्टैंड बिकॉज विथ वर्ब वद सफिक्स मी इट इज यूज एंड इंटेंशियली हियर द प्रोनाउन अहम इज ओमिटेड. I believe that it is clear. So I am only asking you to give up the saffron clothes. मैं सिर्फ आपको भगवा वस्त्र छोड़ने के लिए बोल रहा हूँ, संन्यास छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा. Next, last line. गांधी महोदय दयस्य, गांधी महोदयस्य कथन तात्पर्यम अजान. थ्री वर्ड्स आर देयर. कथन तात्पर्यम अजानान सत्यदेवः विचार मुद्रायां स्थितः मौनं च अवलंबितवान. कथनं तात्पर्यम, गांधी महोदयस्य कथनं तात्पर्यम. Not knowing अजानः, अजानः इसका मतलब है not knowing. तात्पर्य the intention behind गांधीजीज words.
स्वामी सत्यदेव, सत्यदेव विचार मुद्रायाम स्थितः, स्वामी सत्यदेव stood looking thoughtful. He become confused. And maunam cha avalambitavan and became silent. He did not speak any words in front of Mahatma Gandhi what he should speak right now. Let me proceed. Page number next. तस्य तादृशी मनोदशाम अवगम्य गांधी महोदयः स्वकीयम् आशयम् स्पष्टं कर्तुम् शान्तभावेन मृदुभाषयाः च सत्यदेवाय अकथयत्। शृणु भवान् सावधानेन मनसा, वयम् अन्येषां सेवां कर्तुं प्रवृत्ताः स्म। एतद् एव अस्माकं देयमस्ति। भवान् जानत्येव यद् अस्माकं देशे जनाः कासाय वस्त्रधारिणः सन्यासिनः सेवां कर्तुं सदैव सन्मुत्सुकाः भवन्ति। फर्स्ट वी सी द ट्रांसलेशन ऑफ थ्री लाइन्स। लेट वी सी द ट्रांसलेशन ऑफ लाइन नंबर वन। तस्य तादृशी मनोदशाम अवगम्य गांधी महोदयः स्वकीयम् आशयम् स्पष्टं कर्तुम् शान्तभावेन च मृदुभाषयाः सत्यदेवाय अकथयत्। तादृशी मनोदशाम, मनोदशा मेंटल कंडीशन, हैविंग अंडरस्टूड हिज मेंटल कंडीशन, गांधी जी न्यू इट वेरी वेल दैट स्वामी सत्यदेव बिकम कंफ्यूज्ड मेंटली एंड इट वाज द प्रायोरिटी ऑफ महात्मा गांधी टू क्लियर द डाउट ऑफ स्वामी सत्यदेव। ही अंडरस्टूड द मेंटल व्हाट इज गोइंग ऑन इन द माइंड ऑफ स्वामी सत्यदेव। So here, having understood his mental condition, Gandhi ji spoke shant bhaven, quietly, and mrudu bhashayaha, and softly, svakiyam asayam spashtum kartum, in order to explain what he had in his mind. I repeat the translation again. Having understood his mental condition, Gandhi ji spoke quietly and softly in order to explain what he had in his mind. Next he said that, Srunotu bhavan savdhanena manasa. Please listen. Srunotu, Sruno, that means listen. Please listen. He used the words please. Srunotu, listen. Savadhanena manasa, with attentive mind. Please listen with attentive mind. Next he said that, Vayam anyesham sevam kartum pravuttaha sma. Vayam, we have set out to serve others. Sevam kartum pravuttaha sma. We have set out to serve others. Or simply we can say that we serve others. Next he said that etat eva asmakam. Sandhi is there. Etat. The is given. It's become ta. E. त त एव प्लस अस्माकम् अस्
मा कम लास्ट वर्ड म राइट डाउन एतत दिस एव अलोन और वी कैन से दिस इज ओनली हियर एव मीन्स ओनली दिस इज ओनली अवर एम अस्माकं देयम अस्ति लास्ट वर्ड अगेन संधि इज देयर देयम प्लस अस्ति दिस इज ओनली अवर एम नेक्स्ट ही सेड दैट भवान जानत्येव भवान जानत्येव यू नो जानत्येव नो भवान मीन्स यू यद अस्माकं देशे जनाः कासाय वस्त्रधारिणी सन्यासिनी सेवां कर्तुं सदैव सन्मुत्सुकाः भवन्ति यू नो दिस फॉर श्योर दैट और वी कैन से दैट यू नो इट वेरी वेल दैट इन अवर कंट्री अस्माकं देशे इन अवर कंट्री जनाः पीपल आर ऑलवेज वेरी ईगर सदैव पीपल हियर जनाः सदैव सन्मुत्सुकाः यू नो इट वेरी वेल दैट पीपल इन अवर कंट्री और वी कैन से दैट इन अवर कंट्री पीपल आर ऑलवेज ईगर टू सर्व सेवा टू सर्व सन्यासिनः वी कॉल इट सन्यासी इट इज द ट्रेडिशन ऑफ अवर कंट्री एज अवर कंट्री द पीपल ऑफ अवर कंट्री आर अ रिलीजियस माइंडेड पर्सन एंड दे हैव अ ग्रेट ऑनर इन देयर माइंड इन देयर एटीट्यूड इन देयर बिहेवियर एज सून एज दे सी द सन्यासी तो डेफिनेटली दे आर ईगर टू सर्व सन्यासी नेक्स्ट महात्मा गांधी सेड दैट यदा भवान सेवा कार्याय प्रवृत्तः भविष्यति तदा कासाय वस्त्रधारिणं भवन्तं दृष्ट्वा एकतः ते भवतः सेवा कार्यं न अंगीकरिष्यति अपरतः ते भवतः सेवा कर्तुं प्रवृत्ताः भवन् भविष्यति इट इज अ वेरी लॉन्ग सेंटेंस लेट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द ट्रांसलेशन इन अ डिवीजन नेक्स्ट ही सेड दैट व्हेन यू विल यदा भवान सेवा कार्याय प्रवृत्तः भविष्यति भविष्यति यदा तदा दिस इज अव्यय यदा when there is a yada in the sentence so definitely in the next sentence will begin with tada filling the blanks you have to keep this point in your mind ki sentence ke andar jab yada aata hai tab tada aata hai jaise in english not only but also is it no sooner then like this one when यदा मीन्स वेन भविष्यति फ्यूचर टेंस इट इज यूज भवधातु भविष्यकाल परस्मैपद अन्य पुरुष एकवचन बिकॉज द सफिक्स थी इट इज यूज इन द वर्ब भविष्यति सो ही सेड दैट कि वेन यू विल स्टार्ट द वर्क ऑफ सर्विंग सेवा कार्याय प्रवृत्तः ओके वेन यू विल स्टार्ट द वर्क ऑफ सर्विंग नेक्स्ट इज सेड तदा कासाय वस्त्रधारिणं भवन्तं दृष्ट्वा सीइंग यू विद द सैफ्रन क्लोथ्स ऑन वन साइड भवन्तं दृष्ट्वा Seeing you with the saffron clothes
or we can say that seeing you in the saffron clothes on one side. Next it is said that ekatah te bhavantah seva karyam na angi karishyati. Here ekatah te bhavatah seva karya na angi karishyati. They will not accept your doing the work of serving for them. I repeat the translation again. When you will start the work of serving, saying you with the saffron clothes, they will not accept you doing the work of service for them. On the other side, they will be motivated to serve you. भवन्तः एकतः ते भवतः सेवा कार्यं न अंगीकरिष्यति. नेक्स्ट इज सेड अपरतः. ऑन द अदर साइड. अपरतः मीन्स ऑन द अदर साइड. ते भवतः सेवां कर्तुं प्रवृत्ताः भविष्यति. ऑन द अदर साइड दे विल बी मोटिवेटेड to serve you. And this is the tradition of Indian people. Whenever they see the sannyasi, definitely without any hesitation they serve the sannyasi. And as a result of this one, sometimes they struck in a huge problem, because so many persons wearing the saffron clothes, they become sannyasis, but in reality they are not the real sannyasis. For example, Asaram Bapu, they are the so called sannyasi. Simply they have wore the saffron clothes, but in reality they are not the sannyasis. And as a result of this one, right now the place of Asaram Bapu is not into the society but in the jail. So let me proceed ahead. But still the people, they have a blind faith in their mind about the sannyasis. Next year we proceed ahead. We are here. अनेन किम अस्माकं देयस्य हानि न भविष्यति. अनेन बाय दिस, विल नॉट डैमेज अवर एम. द एम ऑफ द आश्रम इज टू सर्व द पीपल, not to get the service of the people in the society. But once whether you wearing the saffron clothes, you get entry into the society, definitely seeing you as a sannyasi, people will not accept your service. But on the other side, they will start serving you. And this one is not the aim of our ashram. And therefore I am telling you, once whether you will get entry into the ashram wearing the saffron clothes, so it will goes against the aim of ashram. So it is my humble request, whether you want to get entry in the ashram, so you should leave the saffron clothes. Because wearing the saffron clothes, whether you will get ready to serve the people, so it will not fulfill the aim of our ashram. So he said that अनेन किम अस्माकं देश हानि न भविष्यति. सन्यासस्तु मनोगतः संकल्पः. अब महात्मा गांधी उनके मन के अंदर जो डाउट है ना, वो और क्लियर करते हैं. आगे बोलते हैं सन्यासस्तु मनोगतः संकल्पः एव. सन्यास इज एसेंशियली ओनली ए मेंटल रिजॉल्व. सन्यास तो
मन का संकल्प है, गांधी जी ऐसा बोलना चाहते हैं। मेंटली आप जो भी मानते हैं ना, आप वही है। मेंटली यू शुड बी स्ट्रांग एंड वंस वेदर द स्मॉल रिजोल्यूशन विच इज टेकन बाय यू मेंटली, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प अलॉट। बट द रिजोल्यूशन विच इज टेकन बाय यू, इट शुड बी इन द गुड फील्ड। फॉर एग्जाम्पल, स्पीक द ट्रूथ, और मे बी वेन एवर यू ड्राइव द व्हीकल्स, यू आर ड्राइविंग योर व्हीकल्स ऑन द लेफ्ट साइड, क्लियर? यू फॉलो द रूल्स ऑफ द ट्रैफिक्स, तो डेफिनेटली इट विल नॉट ओनली हेल्प यू बट ऑल्सो इट विल हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल्स। सो हियर गांधी जी सेड दैट संन्यास इज ओनली ए मेंटल रिजॉल्व। नेक्स्ट ही सेड दैट तस्य परिधानेन सह संबंध कयापि दृष्टया न योग्यः, कदापि न योग्यः, इन एनी वे इट इज नॉट प्रॉपर टू कंडक्ट इट विथ व्हाट वन वियर्स। परिधानेन सह संबंधः विथ व्हाट वन वियर्स, तो रिपीट द ट्रांसलेशन अगेन, इन एनी वे इट इज नॉट प्रॉपर कदापि दृष्टया न योग्यः, इन एनी वे इट इज नॉट प्रॉपर टू कनेक्ट इट विथ व्हाट वन वियर्स। नेक्स्ट ही सेड दैट अहम निश्चितं मन्ये, डेफिनेटली आई थिंक, अनडाउटेबली, निश्चितम, डेफिनेटली और अनडाउटेबली वी कॉल इट, श्योरली वी कॉल ऑल्सो से दैट, अहम मन्ये, आई थिंक, आई बिलीव, यत कासाय वस्त्राणां त्यागेन संन्यासस्य त्यागः न एव भविष्यति। बाय गिविंग अप द सैफ्रन क्लोथ्स कासाय वस्त्राणां त्यागेन, surely I believe that by giving up the saffron clothes sannyas tyagah na eva bhavishyati, the sannyas is not at all removed or renounced, we call it na eva tyagah, renounced or removed, I repeat the complete translation again, surely I think that by giving up the saffron clothes the sannyas is not at all removed. Next he said that atah vicharayatu bhavan bhavan, atah vicharayatu bhavan, so please think it over, vicharayatu, so please you think it over, we can say that। अब महात्मा गांधी देखो अपना निर्णय है ना, वो स्वामी सत्यदेव पर थोप नहीं देते, आप इस बाबत में सोचिए, अगर आपको लगता है कि आपका भगवा वस्त्र छोड़ने से आपका संन्यास भी छूट जाएगा तो आप आश्रम में प्रवेश मत कीजिए, मगर आप वाकई ही मानते हैं कि वस्त्र का संन्यास के साथ कोई संबंध नहीं है तो यू आर मोस्ट वेलकम। और इसीलिए वो लास्ट में बहुत ही मृदु भाषा में वह कहते हैं तत् अनंतरम, संधि है देखो तत् प्लस अनंतरम, यथोग्यम तत् करोतु देन डू, तत् करोतु देन डू, इंग्लिश इज ऑफ दिस वर्ड तत् करोतु देन डू, तत् अनंतरम यदोग्यम, यदोग्यम वॉट एवर इज राइट, देन डू वॉट एवर इज राइट।
I hope you can understand it, the translation of this paragraph. Okay guys, remaining chapter we will see in video number 3. That's it in today's video from me. Thank you very much for watching this video.